सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर एक खबर आते हुए नजर आई है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी क्या न्यूज़ है। और इसके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई बताए जा रहे हैं भाई, ठीक है। और किस प्रकार से जो स्टॉक है वो जो टारगेट बताया जा रहा है वो अचीव करेगा नहीं करेगा वो भी आपको बताएंगे डिटेल में। जैसा कि आपको पता होगा अभी आज के दिन जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो हमें दबाव में दिखाई दिए हैं। कल के दिन इसका उल्टा था, मार्केट में कल के दिन गिरावट थी तो स्टॉक पॉजिटिव थे ये, ठीक है। आज आप लोग देखोगे उसका बिल्कुल अपोजिट, आज मार्केट में तेजी है लेकिन रेलवे स्टॉक ये तीनों के तीनों डाउन अभी, और तीनों के तीनों आप लोग देखोगे एक एक से डेढ़ डेढ़ परसेंट, एक से डेढ़ परसेंट की गिरावट में है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, पिछले तीन चार दिन जो स्टॉक चले हैं उसके बाद ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आना ये तो स्वाभाविक है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक अपने लो से 10% के करीब उछल चुके थे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा तो क्या आएगा, अभी 10-10% अगर भाग रही हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा लो बनाकर स्टॉक उठे हैं, ठीक है, ऊपर में आए हैं, तो क्यों नहीं स्टॉक फिर से रैली दिखाएंगे। और 10% नहीं भाई, इनमें अगर तेजी देखा जाए तो 17% के करीब बनी है, और ये 13 मार्च से 26 मार्च के बीच में, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम स्टॉक में बने हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आया, परेशान नहीं होना है। तो चलिए भी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं खबर और उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे के लेकर भी आगे क्या करें, होल्ड करके चलें या फिर अभी थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जी बिजनेस की उस वेबसाइट के ऊपर हमें ये खबर देखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो भी 360 रुपये तक जो ना भी जाएगा ये रेलवे PSU स्टॉक। एक्सपर्ट्स ने आप लोग देखो कहा खरीद ले, एक साल में 300% के जो ना भी रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो भी किस बात की, किस शेयर की बात चल रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये देखो कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार के दिन 26 तारीख को, कल के दिन मैंने आपको बताया ना भी कल के दिन स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली बनी है। तो इसी बीच आप लोग देखोगे जो घरेलू शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए कल के दिन, बाजार में कमजोरी के बीच कारोबारी क्षेत्र में रेलवे PSU स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड 7% से ज़्यादा जो ना भी तेज उछाल देखने को मिला है, और 2 साल में 660% के जो ना भी रिटर्न दे चुके हैं। और इस रेलवे PSU को जो ना भी इसके ऊपर जो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स हैं ये आप लोग देखोगे कि मेहुल कोठारी ने जो ना भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के सलाह दी है और 360 रुपये तक के ऊपर में टारगेट दिए गए हैं। तो ये स्टॉक है भाई, इसके ऊपर आपको जो भी जरूर नज़रें बनाए रखनी। इनकी तरफ से 3 स्टॉक रेकमेंड किए गए हैं, बोरोसा रिन्यूएबल एनर्जी और एक GMM पफर्ड। तो ये 3 जो शेयर है वो यहाँ पर इनकी तरफ से बताए गए हैं। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं इसका चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ हो सकते हैं कल के लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी आरविनिल का जो डाटा वगैरह देखने को मिला, आखिरकार वो कैसा, 260 प्रीवियस क्लोजिंग थी, 262.60 रुपये पर ओपन हुआ, 266.30 रुपये का हाई स्टॉक ने लगाया, तेजी शानदार बनी। उसके बाद जो स्टॉक है वो 254.40 तक नीचे में गए हैं, क्लोजिंग 256 के आसपास हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर देखोगे भाई लगभग 16,600 क्वांटिटी के आसपास का बाय ऑर्डर, डिलीवरी पोजिशन 26.5% के आसपास डिलीवरी उठते हुए नजर है, तो डाटा पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो स्टॉक है वो कल के दिन जो हाई बनाया था वहाँ से हमें जो ना अभी टूटते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, तेजी सस्टेन नहीं कर पाया। जिसको रिस्क नहीं लेना स्टॉक के अंदर वो 253 के सपोर्ट के साथ चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए नज़र आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया है, और उसके बाद आप लोग देखो स्टॉक ऊपर में 268 के आसपास पहुँचा था कल के दिन, लेकिन आज आप लोग देखोगे ऊपर से जो स्टॉक है वो फिसल रहा है। 277 का पहला टारगेट था, नहीं पहुंच पाए अब तक वहां तक, तो ठीक है। और बाकी अगर रिस्क नहीं लेना, नीचे के भाव में खरीदारी किया है तो 253 का स्टॉप लॉस पकड़ी चलिए, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक फिर से आप लोग देखो 345 जहां से टूटा उसे भी ब्रेक करेगा, उसके ऊपर में भी निकलेगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है रेलवे के बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ आएगी, कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। स्टॉक आपको जो ना भी यही 500 रुपये भी जाते हुए नज़र आ सकता है, 500+ भी, तो यहाँ से एक बड़ा मौका है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। 60,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है इसकी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।